आप जो इस पौधे को आप देख रहे हो, इसको प्रॉपर पूरा भारत जानता है। पूरा भारतवर्ष में इसकी खेती होती है, साथ साथ में हमारे भारत देश के बाहर श्रीलंका में भी इसकी खेती होती है। आप इसको जानते होंगे, देखे होंगे, इस पत्ते को पहचान लीजिए। यह इसको संस्कृत में सुरन कहते हैं और अर्शोग ने भी कहते हैं, और हिंदी में इसको जिमीकंद के नाम से जाना जाता है, सुरन के नाम से भी, छत्तीसगढ़ी में जिमीकंदा का नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारा लगा हुआ है, इसको किसी प्रकार से लगाया नहीं गया है, आप ही आप लगा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। इसे जिमीकंद को यहाँ पर पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, टोटल यहाँ पर है, इधर मैं जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऐसा है, यहाँ पर भारी मात्रा में जिमीकंद है। और इसके मैं आयुर्वेदिक प्रयोग अंग आपको बताऊंगा, जो जो जन सामान्य को मालूम भी है, नहीं है, हमारा खुद प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है, जो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जिमीकंद में कौन से ऐसे आयुर्वेदिक गुण हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को अभी चालू करते हैं। हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद नहीं आता तो सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक डिसलाइक भी मत कीजिएगा, और देखना भी मत। पसंद आता है तो देखिएगा, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई आपको ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करने का। इसके जो कंद होता है, ये देखिए, इसके जो अंदर कंद है, मैं कंद तो नहीं निकाला हूँ, ये बड़ा वाला ऐसा होता है इसके डंठल, तो उसके कंद को निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद में उसको काट करके सुखा लीजिए, या कच्चा अवस्था में घी के साथ उसको कढ़ाई में घी डाल करके तलिए, और उसको खा तल करके लाल होने पर निकाल लीजिएगा, उसमें आग लगने नहीं चाहिए। और उसके बाद जिसको बवासीर का शिकायत हो, वो रेगुलर खाता है, 2-3 दिन में खूनी आबादी बवासीर को ठीक करता है। अर्शोग घनवट्टी नामक एक औषधि मिलता है जिसमें जिमीकंद को मिलाया जाता है, और उसका औषधि प्रयोग बताया जाता है। तो जड़ से ठीक करके कई बार का परीक्षित प्रयोग है, हमारे इधर इसका प्रयोग होता है छत्तीसगढ़ में। तो इसको देखें, इसकी 3-4 प्रजाति होती है, एक जंगली सुरन भी होता है, एक मदनमस्त भी होता है, तो कम से कम लगभग 4-5 प्रकार की। हम कभी जंगल में जाएंगे तो उनको भी आपको दिखाएंगे। ये तो है जंगली सुरन की, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। इसमें इसको, ये डंठल आप देख रहे हो, डंठल की सब्जी, इसके अंदर की कांदा है, कंद होता है, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसके रेशे होते हैं, इसको निकालना पड़ता है, ये जैसे निकल गया, ये रेशे में खुरचा हूँ, इसको बाहर से निकालना पड़ता है ऐसा। और निकालने के बाद में इसको छोटे छोटे आलू जैसे टुकड़े किया जाते हैं, और उसमें मट्ठा के साथ या इमली आदि का खट्टा डाल करके उसको बनाया जाता है, नहीं तो खुजली करता है, क्योंकि इसके जो कंद होते हैं, आग से आग जलेट नामक तत्व पाया जाता है जिमीकंद में। और बवासीर पर हरिहर रामबाण काम करता है, ये अजमाई गई शर्तिया प्रयोग है, और पेट साफ करता है, और कृमिघ्न जो होता है उसको भी ठीक करता है। अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए इसको, जिमीकंद को, ये अत्यंत स्वादिष्ट कारक होता है। ये जिमीकंद दिखने में सरल है, और देखिए इसकी पत्ती, इसका बहुत खूबसूरत होता है, सुंदर होता है। बवासीर में जैसा बताया, घी के साथ तल करके या तेल के साथ तल करके खाने से रामबाण काम करता है, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। अनेक प्रकार की औषधि होती है। और फिर एक जड़ी बूटी के साथ आ जाऊंगा। नमस्कार, हरिओम।